हेलो एवरीवन, फिर से एक बार स्वागत है आपका यूट्यूब कोमल किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट गुलाब जामुन की रेसिपी, जिसको मैंने गेहूं के आटे से बना के रेडी किया है और बहुत ही सिंपल तरीका मैंने बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस गुलाब जामुन की रेसिपी को बनाना। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले, जो सामने घंटी का निशान उसको भी ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरा हर वीडियो का मैसेज आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, कैसे बनाएं हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, एक कढ़ाई लिया, इसमें हम 2 छोटी चम्मच देसी घी का डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक वीडियो में बने रहे। अगर आपको ये गुलाब जामुन बनाने हैं तो वीडियो में लास्ट तक वीडियो को फॉलो करें और स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी, तो बीच में बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और बहुत ही अच्छे आपके गुलाब जामुन बनेंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। तो घी हमारा नॉर्मल गर्म हो गया है। नॉर्मल गर्म होने के बाद हम इसमें 1 कप गेहूं का आटा डाल देंगे, जो हम चपाती बनाते हैं, और इस आटे को हम इसको घी के साथ अच्छे से मिक्स करके रोस्ट कर लेंगे। 5 मिनट हमें रोस्ट करना है और गैस को हमें एकदम मीडियम लो फ्लेम में रखना, हाई फ्लेम में बिल्कुल नहीं रखना, इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो घी आटे को हमें रोस्ट कर लेना, ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो इसकी खुशबू आने लगेगी, ज़्यादा जल जाएगा। लेकिन 5 मिनट ही हमें रोस्ट करना है। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, इसका कच्चापन निकल गया है ये देखिए, और हम इसको अलग बर्तन में निकाल देते हैं। तो ये आटा हमारा डो बनाने के लिए रेडी हो चुका है। अब पहले हम क्या करेंगे, इसको ठंडा होने देंगे। इसको ठंडा होने के लिए इसको साइड में कर देते हैं। अभी हम उसी कढ़ाई में, ये मैं चीनी ले रही हूँ, तो 1.5 कप हम इसका चीनी का लेंगे। गेहूं का आटा हमने 1 कप लिया, तो उसका 1.5 कप हम चीनी लेंगे और इसी का 2 कप हम इसमें पानी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें 1 या 2 तार की चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी है, बस 2-3 मिनट इसको अच्छे से उबाल लेना है चाशनी को। चीनी बस मेल्ट हो जाए अच्छे से, तो 2-3 मिनट हमें इसको पका लेंगे। और अभी हम इसको चम्मच को लगातार चलाते रहेंगे और 3 मिनट हमें चाशनी को अच्छे से बॉयल आने तक हम पका लेंगे। तो चीनी ना मेल्ट हो तब तक हमें इसको चलाते रहना है, जिससे क्या होगा, चीनी जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चीनी यहाँ मेल्ट हो चुकी है। अभी हम इसको चलाना छोड़ देते हैं और अभी हम इसको 3 मिनट अच्छे से उबाल आने तक पका लेंगे। हमें 1 तार की चाशनी या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, ये आपके टेंशन बिल्कुल नहीं है चाशनी वाली। और ये कुटी हुई थोड़ी मैंने इलायची डाल दी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इसके जगह आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। और इसको 2-3 उबाल आने तक अच्छे से बॉयल कर लेंगे। तो 2-3 मिनट में हमें इसको बॉयल करना है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाना है। और ये देखिए, अच्छे से उबाल आ गए हैं, तो इसको मैं गैस को बंद कर देती हूँ और ये हमारी चाशनी बन गई है। बस ज़्यादा हमें इसमें कोई झंझट नहीं करना है, इसको हम ढक के छोड़ देंगे एक साइड पर। अभी हम चलते हैं आटे की तरफ। तो आटा भी यहाँ ठंडा हो चुका है, तो अभी हम इसका डो रेडी करते हैं। तो डो कैसे रेडी करना है मैं आपको बताती हूँ। 1 छोटा चम्मच हम इसमें मैंने दूध की मलाई ली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास दूध की मलाई नहीं है इस टाइम, तो आप अगर बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा 1/2 छोटा चम्मच घी डाल सकते हो। और थोड़ा सा हम इसमें दूध डालेंगे, ये 1/2 से कम कप दूध है, इसमें थोड़ा हम पानी मिला लेंगे। दूध हमें ज़्यादा नहीं डालना है, अगर ज़्यादा दूध से हम इसका डो रेडी करेंगे तो ऑयल में डालते समय हमारे गुलाब जामुन फट जाएंगे, तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा पानी मिक्स करके हमें दूध के साथ इसका डो रेडी करना है। तो दूध में मैंने थोड़ा पानी मिक्स कर लिया था और अभी हम इसका बनाएंगे। तो ज़्यादा दूध हमें इस्तेमाल नहीं करना है, ये 1/2 कप मैंने दूध का लिया है, फिर भी इसमें थोड़ा मैंने पानी भी डाला है, पानी से हम डो रेडी करेंगे। और ये थोड़ा सा 2 चुटकी भर हम बेकिंग पाउडर डाल देंगे, ज़्यादा आपको नहीं डालना है, नहीं तो आपके गुलाब जामुन ज़्यादा ही फूल जाएंगे, स्पंजी बन जाएंगे और बन भी नहीं पाएंगे। तो 2 चुटकी हमें इसमें, 1 कप आटे में 2 चुटकी आपको बेकिंग पाउडर डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बीच में वीडियो को बिल्कुल कट नहीं कर रही हूँ, आपको ये दिखा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, जिससे क्या होगा कि आप डो अच्छे से रेडी कर पाओगे। अगर डो आपका अच्छे से रेडी हो गया तो आपके गुलाब जामुन बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, इस बात की गारंटी मैं ले रही हूँ आपसे। और ये देखिए, अच्छे ऐसे इसको मसल मसल के हमें ऐसे सॉफ्ट बना लेना है। बस इसका डो हमारा अच्छे से बन गया तो हमारे गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनेंगे। तो थोड़ा सा दूध इसमें मैं और डाल लेती हूँ।
इसको हमें ज़्यादा मसलना भी नहीं है। और ये देखिए हमारा सॉफ्ट सा डो बन गया है, तो इसको मैं थोड़ा इकट्ठा कर लेती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना, जो हम चपाती बनाते हैं उससे सॉफ्ट हमें बनाना है। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं बनाना। ज़्यादा हार्ड बना लेंगे तो हमारे गुलाब जामुन में चाशनी नहीं जाएगी, और ज़्यादा सॉफ्ट बना लेंगे, एकदम ही सॉफ्ट बना लिया डो, तो एकदम बिखर जाएंगे। तो बीच में एकदम मीडियम साइज़ का हमें डो बनाना है। मैं दिखाती हूँ आपको पास से कि किस कितना सॉफ्ट हमें ये डो चाहिए। तो ये देखिए ऐसे हमें डो चाहिए, देखिए बिल्कुल थोड़ा सा स्पंजी टाइप का हो रहा है, ये इतना सॉफ्ट चाहिए, इससे सॉफ्ट हमें डो नहीं चाहिए। और दूध दिखाती हूँ मैं, ये देखिए दूध कितना बच गया, थोड़ा सा दूध ही हमने इस्तेमाल किया, थोड़ा पानी इसमें इस्तेमाल किया था। अभी हम इसकी बॉल बनाएंगे, तो बॉल में बिल्कुल भी क्रेक नहीं होने चाहिए, इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, दरार बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। तो बहुत ही आसानी से ये हमारी बॉल बन गई है, क्योंकि डो हमने थोड़ा सा सॉफ्ट बनाया है। अगर डो हमारा अच्छा बन गया तो गुलाब जामुन हम अच्छे बना ही लेंगे। तो सारे गुलाब जामुन मैं बना लेती हूँ ऐसे ही। देखिए ऐसे राउंड कर करके हमें इसको बोल को बना लेना है, ज़्यादा हमें ऐसे बार बार ऐसे करना है, जिससे क्या होगा इसमें दरार नहीं आए और अच्छे से हमारी बोल सॉफ्ट सी बन जाए। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हमारी बोल अच्छे से बन जाएगी। तो ये देखिए सारी बोल हमने बना लिया है, अभी हम इनको फ्राई करते हैं। तो फ्राई कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। तो कढ़ाई लेंगे, इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल ले लिया है, ऑयल नॉर्मल गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और गैस को भी हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, तो नॉर्मल ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें बॉल डालेंगे तो ये देखिए बुदबुदे उठ रहे हैं, इतना हमें गर्म चाहिए। अभी सारी बॉल इसमें डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसको बॉल को फ्राई करना है। तो यहाँ मैंने फास्ट मोड कर दिया है और इसको ऐसे उल्टा पलटी करके और कलर चेंज होने तक इनको फ्राई करते रहेंगे। बीच में हमें उल्टा पलटी लगातार करते रहना, जिससे क्या होगा कि इनका कलर एक जैसा आएगा, एक साइड ज़्यादा नहीं जलेगा। कभी कभी क्या होता है कि एक साइड लाइट कलर दिखता है, एक साइड डार्क दिखता है, लेकिन हम ऐसे इसको लगातार चम्मच ऐसे चलाते रहेंगे तो कलर इसका एक जैसा आएगा। तो ये देखिए गोल्डन बहुत अच्छा कलर आया है, तो इसको मैं चाशनी में डाल लेती हूँ। अगर आपको काले गुलाब जामुन चाहिए तो थोड़ा सा और फ्राई कर लीजिएगा, जिससे इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा। अगर इससे लाइट चाहिए तो थोड़ा कम फ्राई कीजिएगा। तो अभी हम सारे गुलाब जामुन इसमें डाल लेती हूँ। अभी आपको ये छोटी बॉल दिख रही है, लेकिन जैसे हम चाशनी में डाल के इसको 2 मिनट इसको बॉईल करेंगे, तो देखना गुलाब जामुन के कमाल कितने ये डबल हो जाएंगे, अपनी साइज़ से भी और डबल होना है अभी इनको। अभी थोड़े हुए हैं ये, अभी चाशनी थोड़ा गर्म कर लेंगे, चाशनी में उबाल आने के बाद ये और भी डबल साइज़ इनका हो जाएगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए बीच में वीडियो बिल्कुल नहीं कट कर रही हूँ, इसको हम 2 मिनट उबाल लेंगे गुलाब जामुन को चाशनी के साथ। तो हम बेकिंग जितना पाउडर डाला था उसी का ये कमाल है गेहूं के आटे में। तो गेहूं के आटे जब भी बनाओ तो थोड़ा सा बेकिंग पाउडर अगर आप डाल लोगे तो आपके गुलाब बहुत ही स्पंची बने। तो इसको ढक के छोड़ देते हैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। तो ये देखिए 1 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए चाशनी एकदम गायब हो चुकी है, ये थोड़ी सी चाशनी बची है और गुलाब जामुन ने पूरा अंदर अपने चाशनी को अब्जॉर्व कर लिया, पूरा सोख लिया है चाशनी को, और बहुत ही स्पंजी टाइप के गुलाब जामुन बने हैं। देखने से ही आइडिया लगा सकते हो कि अपनी साइज़ से कितना डबल हो गया है। अभी मैं आपको एक प्लेट में तोड़ के भी दिखाती हूँ, फ्रेश बहुत ही मस्त और जूसी गुलाब जामुन बने हैं। ये देखिए दिखाती हूँ मैं, ये देखिए कितने जूसी हमारे गुलाब जामुन बनके रेडी हुए हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन भी मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा कि हमने गेहूं के आटे से इतना अच्छा गुलाब जामुन स्पंची टाइप का रेडी किया है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मैं फिर से कह रही हूँ कि दूध आपको ज़्यादा नहीं डालना है आटे में, थोड़ा सा पानी और थोड़ा दूध आपको मिक्स करके आटा डो रेडी करना है, उसके बाद आपको ये गुलाब जामुन बनाने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स गुलाब जामुन हमारे बनके रेडी हो गए हैं। तो मेरी रेसिपी अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।